नमस्कार दोस्तों, इन्फो शिक्षा चैनल के करंट अफेयर्स में एक बार दोबारा उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, ज्यादा समय न गंवाते हुए हम अपने करंट अफेयर्स के पहले पॉइंट को जो है डिस्कस करते हैं कि विश्व की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल सुरंग मैक्सिको देश के पूर्वी हिस्से में एक युकाटन प्रायद्वीप पाया जाता है। उसमें युकाटन प्रायद्वीप के नीचे पानी में जो है ये सुरंग पाई गई है और इस सुरंग की लंबाई 347 किलोमीटर है। गोताखोरों के एक समूह ने इस सुरंग को जो है खोजा है। इस सुरंग में एक कब्र मिली है, इसमें मानव अस्थियां संरक्षित है। इस सुरंग को खोजे जाने से एक प्राचीन माया सभ्यता के बारे में जानकारी मिल सकती है जो कि 10 से 12,000 साल पुरानी सभ्यता थी। और इस सुरंग का नाम साइक एक्टन रखा गया है। तो आप जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से युकाटन द्वीप देख लीजिए मैप में कहां पे है, और वहां पे आप देखेंगे उसके पास में एक युकाटन जलसंधि पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है युकाटन जलसंधि कहां है, युकाटन प्रायद्वीप कहां है। मैक्सिको देश जो है आप मैप में जो है यहां देख सकते हैं, आप एटलस भी उठा के जो है इसका ओवरव्यू एक ले सकते हैं। तो आइए आज सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि पहली बार वायुसेना के कमांडो जेपी निराला जो कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो से मिलान करते थे, इनको जो है मरणोपरांत वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये बिहार के रोहतास जिले से बिलोंग करते हैं, वडीलाडी गांव से। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उड़ान भरी है। और ये राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स बेस से इन्होंने उड़ान भरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180 देशों के लिए जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। स्विट्जरलैंड का एक शहर दावोस है, दावोस में जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत का प्लेस 177वां है। इसका मतलब प्रदर्शन में इंडिया की स्थिति बहुत ही खराब प्रदर्शन है। 177वां मीन्स नीचे से तीसरा प्लेस। जो नंबर प्रथम पे स्थान है स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे फ्रांस है और थर्ड पे डेनमार्क है। डेनमार्क की स्थिति आप मैप में देखेंगे तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच में पड़ेगा। तो आप मैप में स्विट्जरलैंड को जो है देख सकते हैं, उसके आसपास जो देश है उनका जो है सर्वे कर सकते हैं कि जो कि ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, तो आप मैप में जो है इसका एनालिसिस कर लीजिए। आइए बात करते हैं, एक दुकम पोर्ट है। दुकम पोर्ट ओमन देश, मैप में आप देख लीजिए ओमन देश का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है यहां पे दुकम पोर्ट पाया जाता है। यहां भारतीय सैनिकों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो स्वीकृति प्रदान हो जाने से भारत की जो सुरक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये दुकम पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चूंकि यहां स्वीकृति मिल जाने से अरब सागर में और हिंद महासागर में भारत अपने देश की सुरक्षा के पहलुओं को यहां पे देख सकता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करें। नेक्स्ट पॉइंट आपका है
WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो कि 29 नवंबर 2017 को जारी की गई है। मलेरिया आप देखेंगे कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से पैदा होता है और इसके लिए कुछ परजीवी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये साइंस का भी क्वेश्चन बन जाएगा और करंट अफेयर्स में भी जो है क्वेश्चन बन जा रहा है। और इसके लिए जो परजीवी है, पहले परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरे परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी तीसरा परजीवी है और प्लाज्मोडियम ओवेल ये जो है चौथा परजीवी है। ये रहा रीजन कि कैसे मलेरिया होता है और मलेरिया रिपोर्ट जो आई है, घोषित की गई है 2017 की, इसमें आप देखेंगे कि 90% मलेरिया से ग्रसित लोग ये जो आपका साउथ अफ्रीका महाद्वीप है इसमें पाए जाते हैं। तो 90% यही पर है, बाकी जो है 10% विश्व के जो है अन्य भागों में पाए जाते हैं। तो पहला स्थान अगर आप देखें तो आप मैप में देख सकते हैं कि नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया देश जो है मलेरिया से प्रभावित होने वालों में प्रथम स्थान पे है। सेकंड स्थान जो है उसके बगल में कांगो जो है देश है। मैप में आप इनकी स्थिति को जो है देखते रहिए, एटलस में जो है उठा के इसका एनालिसिस कर लीजिए, जिससे आपका जो है ज्योग्राफी भी जो है पॉइंट क्लियर होता रहे। तो कांगो जो है सेकंड देश है। थर्ड देश जो है कौन सा है, इंडिया जो है। इंडिया के साथ साथ एक जो है साउथ अफ्रीका का देश है बुर्किना फासो। तो तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से इंडिया और बुर्किना फासो है। तो भारत की अगर स्थिति की हम बात करें तो मलेरिया की निगरानी में बहुत ही खराब प्रदर्शन है। 2016 में 8% मामले ऐसे आए जिनमें यह पता चल पाया कि इन लोगों को मलेरिया हुआ है। तो भारत की स्थिति खराब है। 2016 में श्रीलंका देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन इंडिया भी मलेरिया मुक्त घोषित नहीं हुआ है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे जो है बातचीत करते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री को जो है मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत भी है। तो आज हम अपने करंट अफेयर्स के पॉइंट को यहीं पर खत्म करते हैं। हम आपको जो है एक बात जरूर कहेंगे कि जब भी आप करंट अफेयर्स में जो नाम हम ले रहे हैं उन नामों को आप जो है एटलस पे देखते रहिए कि वह जो है किस सागर के किनारे है, किस महासागर के किनारे है, किस महाद्वीप में है और उसकी राजधानी क्या है। जैसे अभी हमने एक ओमन देश लिया है, ओमन देश की राजधानी मस्कट है। मस्कट से आप देखेंगे तो जो है कर्क रेखा जो है पास करती है। तो इस तरीके से जिससे आपका जो है करंट अफेयर्स तो जो है हो ही रहा है, साथ में ज्योग्राफी भी जो है आपका जो है कंप्लीट होता रहे। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ ज्योग्राफी को भी जो है आप एटलस उठा लीजिए और एटलस के साथ साथ इन पॉइंट को देखते रहिए तो कुछ ही दिन में आप ये रियलाइज करेंगे अपने अंदर कि हमारा ज्योग्राफी भी जो है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। धन्यवाद।